नमस्कार साथियों। तो दिल्ली का मौसम भी अभी गर्म चल रहा है, पर परेशानी जो दे रहा है दिल्ली के लोगों को, उसे कहते हैं दिल्ली का पॉल्यूशन। इतनी धूल मिट्टी है सड़कों पर और सबका ही गला और सबको ही वायरल फीवर टाइप कुछ हो रहा है। तो चलो यार, इतनी उदासी भरा जब इतना डिस्टोपियन सा समय आता है, तो आपको पता है मैं क्या करता हूँ। मैं लाया हूँ उस सीज़न की पहली रम, जिसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ आपके साथ। रम है हमारी 1965 स्पिरिट ऑफ विक्ट्री रिजर्व ट्रिपल एक्स रम, और रूपरेखा और चरित्र में काफ़ी अच्छी लगती है। ऊपर से किसी आर्मी वाले की पेटी लगती हुई, बेटी नहीं दोस्तों, पेटी। रेडिको खेतान लिमिटेड से आई है हमारे पास ये, पर पंजाब से नहीं, इस बार ये हमारे पास आई है मेड इन इंडिया सीकर राजस्थान से। हाँ, ब्लेंडेड प्रोड्यूस बाय राजस्थान। तो राजस्थान की रम पीने के बाद कैसा हुआ एहसास, पहले एक बार हाफ का रिव्यू कर चुका हूँ उसका, एक साल पहले कम से कम। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है उसमें इन रम में आती है सील की। तो अब देखते हैं इसकी सील इस साल कैसी है। इसकी अगर आपको डेट बताऊँ तो 23 की डेट है, 2023 की 6 दिसंबर 2023, बैच नंबर 7 थाला फॉर ए रीज़न, ठीक है ना दोस्तों। और मुबारक हो गौतम गंभीर की अगुवाई में टीम इंडिया बड़े बड़े रिकॉर्ड बना रही है। और 4,332 दिनों बाद भारत सीरीज हारा इंडिया में, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो यही चाहिए था भाई। बीजेपी वाले जहाँ भी जाते हैं आपको पता है ऐसा होता ही है, इंडिया की वाट लग जाती है। चलिए, सीरीज की इस बार अच्छी थी, चॉकलेटी स्मेल है और पानी आज का बिल्कुल सादा होने वाला है। अच्छा खासा हमने पैक बना लिया है जी, और उसके साथ 1965 तो हम पी रहे हैं। आज एक नई चीज़ है, आज हम रम पी रहे हैं बर्स्ट के साथ। बर्स्ट है बिस्क फार्म से आया हुआ एक प्रोडक्ट, जो कि मात्र 5 रुपये का 28 ग्राम मिलता है दिल्ली में। और ये कैसा प्रोडक्ट होने वाला है पीछे नहीं पड़ रहे, फिर भी देख लेंगे आया कहाँ से है, इसका टेस्ट ले लेते हैं। मेरा भी गला कुछ खास अच्छा नहीं है भाई। तो बर्स्ट है कुछ ऐसा पहले भी कुछ आता था ना, इसका नाम भूल रहा हूँ मैं, याद आया तो बताना। ब्लू सा पैकेट था, वेरी नाइस। तो छक्को वाला फ्लेवर है, पर कोई नहीं, खा लेंगे। और पी बी एम रम रहे हैं मीठो की तरह, मीठी मीठी रम। और ये है लेस, तो थोड़ा सा पेट में आने डाल लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आया था अभी बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करके। जिन्होंने व्लॉग नहीं देखा वो आई बटन पर क्लिक कर दें, और डिस्क्रिप्शन में भी मेरे व्लॉग चैनल का लिंक है, व्लॉग भी पूरा देखें और सब्सक्राइब भी कर लें। व्लॉगिंग चैनल पे ज़्यादा मिल रहा हूँ मैं आजकल, इस चैनल पे भी धमाका करूँगा, पर थोड़ा बहुत रुक के, अभी थोड़ी ज़िंदगी उथल पुथल में है, हेल्थ वाइज भी ऊपर नीचे होती रहती है। वैसे नहीं होती, वैसे फिट हूँ, बट हाँ पहले से हल्का हूँ। चलिए, जय भैरव जी। वही पुराना अंदाज, एक बार मुंह पे लगाया था फिर कौन रुकता है। स्मेल की बात करूं, काफ़ी डिसेंट और गरम अच्छी है, स्टिकी कम है। सादे पानी पे पीने के बावजूद भी काफ़ी अच्छी लगी है अभी तक। देखते हैं आगे जाके क्या गुल खिलाती है दोस्तों। रम का यही खासियत है कि रम मिटाती है गम, तो रम मिटाती है गम, देखते कितने गम मिटाएगी आज ही हमारे। तो आज बहुत ही जल्दी मैंने क्रिकेट की बात भी कर दी, और अब करता हूँ मेन बात मेंटल हेल्थ की। तो अभी उत्तराखंड जाते समय ऋषिकेश में हमें एक लड़का मिला, यूटी तिवारी, पूरा नाम नहीं ले रहा उसका भाई, वैसे उसका नाम उमंग तिवारी है। अगर वो इस चैनल के बारे में तो नहीं जानता, पर अगर ये चैनल कहीं से सुनेगा तो कमेंट कर देगा। तो भाई बड़ा डिप्रेशन में था वो, भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम वगैरह देता हुआ, तो पास नहीं होता हुआ उससे, हम उससे बड़ी थी उम्र में, वो छोटा था। तो हमने उसको यही सलाह दी, मतलब वो पहाड़ों में घूम रहा है तब भी उसका ध्यान कहीं हो रहा है। फिर कह रहा भैया आपके पास कोई किताब है, तो मेरे दोस्त के बाद गुड एटीट्यूड रिच एटीट्यूड ऐसी कोई किताब थी उसको दी, फिर उसका ध्यान किताब पे भी नहीं लग रहा। एक और हमारे साथ साथी था, वो हमसे बड़ा था, वो था जी
काशी का, और वो था UPSC क्लियर करके इनकम टैक्स GST ऑफिसर, ऐसा कुछ अच्छी पोस्ट पे था मतलब। तो उससे भी हमने बात करी, तो मेरे दोस्त ने कहा भैया आपने बहुत पढ़ाई की होगी। कह रहा भाई मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी, अगर मैं बहुत पढ़ाई करता तो पास ही ना होता। तो यही फिर हमने उमंग तिवारी को समझाया, उमंग तिवारी नाम है उसका, कि भाई इतनी टेंशन लेने की बात नहीं, किस्मत में होता है, और आप भी लोग बहुत मेहनत वगैरह कर रहे होंगे उससे डिप्रेशन में आ रहे होंगे, तो बहुत मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कर लो मेहनत एक लिमिट तक करो, क्योंकि मेहनत से भी कुछ नहीं होता भाई। अगर आपकी अप्रोच है तो पहले अप्रोच ही लगाओ और मेहनत भी करो साथ में, क्योंकि ऐसे ही होता है, मतलब मेहनत से हो सकता है 70-80% चांस है, पर अगर मेहनत से आप नहीं हुए ना, तो आप ऐसा टूटोगे ऐसा टूटोगे कि शराब आपकी बोतलें कम पड़ेगी। तो उससे बढ़िया है कि बैलेंस बना के रखो, और अपने और चार पाइयों के चार पैर है ना, मतलब चारों पैर तीनों पैरों खोज के रखो। केदारनाथ यात्रा में भी कुछ ऐसे अनुभव मुझे होते रहते हैं। और पता है क्या, मैं कोई भगवान में ज़्यादा विश्वास करने वाला इंसान नहीं हूँ, मतलब जैसे हमारी जनता मानती है ना भारत की, कि ओहो वहाँ तो जी शंभू जी बैठे हैं, वहाँ तो बाबा केदार का डेरा है, ओहो ये तो साधु है, ओहो उसकी कथा सुनूंगा। तो भाई मैं इन लोडे लसन में कुछ नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि कुछ ना कुछ ज़रूर है, पर मैं उसके पीछे नहीं पड़ता। मैं जाता हूँ अपने शरीर के लिए, कि पूरा हफ्ता मेरी ट्रैकिंग होगी तो मज़ा आएगा। मैं जाता हूँ पहाड़ों के लिए, मैं जाता हूँ नए दोस्तों के लिए, और मेरा कनेक्शन खुद हो जाता है उन्हीं में, किसी भगवान से, किसी शक्ति से, किसी जीसस से, किसी अल्लाह से। तो ट्रैकिंग का ही फ़ायदा है। तो जो लोग ट्रैकिंग में नहीं जाते जाओ, जो लोग, क्योंकि मैंने तो ये देखा भाई बहुत ज़्यादा जॉब करने वाली परेशान है, और मेरे ऐसे खाली रहने वाली भी परेशान है, तो जब दोनों ही परेशान है तो टेंशन किस बात की है। अच्छी रम है, और ऐसा लग रहा है कि पेट में डानस कर दी पई है, ओ ता डानस कर दी पई है। तो मेरा मतलब मकसद ये है कहने का, आपको मैं भटका बहका नहीं रहा, ये नहीं कह रहा दारू पीने बैठ जाओ मेरी तरह, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। जितने भी आगे जाओगे, बहुत नैरो हो रही है सरकारें, बहुत चूतिया बना रही है भाई। मैं बताऊँ दिल्ली में इतना परेशान हूँ मैं, कि सड़कें भी टूटी हुई, कोई किसी की जवाबदेही नहीं। तो बीजेपी और आम आदमी की लड़ाई में, इनमें कोई भी अच्छा हो और कोई भी बुरा हो, कोई भी देशभक्त हो और कोई भी गद्दार हो, जो आम जनता का हाल हो रहा है ना भाई, इससे गंदा मैंने अभी तक अपने जीवन शैली में, जीवन काल में नहीं देखा। तो बहुत बुरा, बहुत बुरा। तो फिर कौन से भगवान की बार बार बात करें, जब इतना अन्याय है यहाँ पे। इंसान ही जब सोए हुए हैं, लोगों को पता है भाई ये तो कावड़ लेने चला जाएगा 6 महीने बाद, फिर दिवाली आ जाएगी, फिर कुछ आ जाएगा, ये ऐसे बिजी रहेगा आम इंसान हमारा, ठीक है जी, कभी भंडारे में, कभी लंगर में, कभी गुरु गोविंद सिंह जयंती में, कभी यहाँ। तो हम पे भाई एंजॉय करने के लिए बहुत है, और हम अपनी गरीबी को और अपनी बेबसी को अपना चुके हैं। इसी बात का फ़ायदा अमीर लोग, इल्लुमिनाटी और ऐसी बड़ी बड़ी संस्था और अंबानी इंटेलिजेंस लोग अपना चुके हैं। देखो इन लोगों का कोई दीन धर्म होता नहीं भाई, ये हिंदू में भी शादी कर लेंगे, मुस्लिम में भी कर लेंगे, ये किसी इनके बेटे तो कोई दंगे वंगे में जाएंगे नहीं, बात करेंगे हमारे ऐसे लोग। तो मैं आप सबकी आंखें खोलना चाहता हूँ भाई, मैं तो इन सबसे बहुत पहले से आगे हूँ, और क्यों एक मिडिल क्लास फैमिली, तो परेशानी मुझ पर आती है। कई लोग कहते हैं राजनीति की बात मत करो, तो भाई कैसे ना करे, जब हमारे घरों तक राजनीति हमारी थालियों तक पहुंच रही है तो कैसे ना करे। इसलिए मेरे से जो छोटे उनको सलाह देता हूँ, मेरे से छोटे अब ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हैं, जैसे मैं पहले बहुत गालियाँ देता था, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। आम आदमी पार्टी सबसे नई पार्टी है, जो हमें नई पार्टी जो उछलती हुई दिखती है अच्छी है, पर भाई क्या अच्छा हो रहा है लोगों का यार, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। बहुत कुछ किया उस पार्टी ने, मैं भी जानता हूँ, बट इन दोनों की लड़ाई में, दो बंदरों की लड़ाई में बिल्लियाँ रोटी खा रही है भाई, जनता का कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो मैं तो कोई ऊपर वाला है तो उससे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भाई ऊपर वाला भी क्या कर लेगा भाई, मैं भी ना जूतियों वाली बातें करने लग गया ना, भक्तों वाले देश में रह गए, कुछ नहीं हो सकता। अपनी लाइफ बढ़िया जियो, ट्रैकिंग करनी है ट्रैकिंग करो, ज़्यादा कमाना है ज़्यादा कमाओ, कम कमाना है कम कमाओ, जी साधु भी रहे और जी लैंडलॉर्ड भी रहे, ठीक है ना, आपकी मर्जी है कैसे जीना है। जी धोती पहन के भी रहे हैं, जी जीन्स पहन के भी रहे हैं, जी मिट्टी खा के भी रहे हैं और जी पैटी खा के भी रहे हैं, जैसे मर्जी जियो, इट्स अपॉन यू। पर जिसके हाथ में जाम है कभी बोलता नहीं है झूठ, जिसका बड़ा नाम है कभी बोलता नहीं है सच, यही है सच, झूठों से बच।
एक और फेसबुक पे ना रील्स आती है, वीडियोस आती है, वो हरिद्वार के दो तीन लड़के हैं, तो ना वो पाखंडी साधुओं को रोकते हैं, छोटे छोटे साधु जैसे जो पहले सपेरे होते थे और जो लोगों से भीख मांगते हैं हनुमान का बेस बना के, साधु का बेस बना के, तो भाई उनको बड़ा बुरा बहुत बेइज्जती करते हैं उनकी कि तुम हमारे हिंदू धर्म का अपनाम कर रहे हो, सनातन धर्म का, इस बेस में लोगों से भीख क्यों मांग रहे हो, तुम्हें तो गायत्री मंत्र नहीं आता, तुम्हें तो महामृत्युंजय जप नहीं आता। उन बहन के लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ, अब उन पर अगर इतनी अकल होती कि वो एक मंत्र श्लोक याद कर लेते तो वो पंडित ना बन जाते, या उन पर अगर बेबी सी ना होती तो वो भीख कहाँ मांगते भाई। वो चोला उनसे, मैं भी मानता हूँ चलो भगवान के बेस में भीख नहीं मांगनी चाहिए, बट इससे उस चूतिए के पट्टे से मैं क्या बताना चाहता हूँ, वो कहता है हिंदू धर्म को इन लोगों से खतरा है। हिंदू धर्म को क्या रामदेव से खतरा नहीं है? हिंदू धर्म को क्या योगी से खतरा नहीं है जो सबसे बड़े पाखंडी है? हिंदू धर्म को सदगुरु से खतरा नहीं है? हिंदू धर्म को आचार्य प्रशांत से खतरा नहीं है? उनकी गर्दन पकड़ सकता है तू? बस भोसड़ी के 40 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी वालों की गर्दन पकड़ रहा है जाके, वहाँ तू बताएगा वो दिहाड़ी करे या भीख मांगे? वो कुछ और खुद वो मां के लोड़े उन्हीं बंदों की वीडियो बना के फेसबुक से और मोनेटाइजेशन से पैसे कमाते हैं यूट्यूब से। तो भिखारी तो तुम भी हो, सालों अट्टे कट्टे हो गए, तुम क्या कर रहे हो और तुम कौन से सनातन धर्म के ठेकेदार बन रहे हो? मुझे एक बात बताओ, मंत्र पढ़ने से क्या तुम पोथी पढ़ने से पंडित होता है, उससे क्या हो जाता है? ना गंगा नहाने से कुछ होता, ना पोथी पढ़ने से कुछ होता, सब अपने मन के अंदर होता है। देखो आरती और पूजा का अर्थ होता है ध्यान। जब हम आरती और पूजा रोज समय से करते हैं तो हम उसमें लीन हो जाते हैं, हमारी बॉडी को उसकी आदत हो जाती है। जैसे हमारे दादा दादी या और पूर्वजों को थी, हमारे माँ बाप को भी कमी है, उससे ज़्यादा पुराने लोगों को थी, तब करने को कुछ होता नहीं था भाई। तब खाली वाली जंगल थे, आटा लेने में आराम से आते थे, साइकिल वाइकिल होती थी। अब जिंदगी बहुत फास्ट है भाई, ज़रूरत बहुत है हमें उन चीज़ों की, पर उस पाखंड की ज़रूरत नहीं है जिस पाखंड में हम फंस रहे हैं। तो मैं कहना क्या चाहता था कि उस आरती और उस मंत्रों से होता गया था, हमारे अंदर एक लगन लगती थी। वो लगन आप अब आप ऑफिस में जाते हो तो लगन का घंटा लगेगी बेंचो कंप्यूटर पर बैठ के लैपटॉप में, इधर बेंचो पोन साइड की आ जाती है, उधर तुम्हारी वो बॉस की बंदी खड़ी है, इसकी वो खड़ी है, इसका वो खड़ा है, तुम्हारा अपना खड़ा है, क्या करोगे, क्या बनना है? अभी मेरे को मेट्रो में एक लड़की मिली, वो एलन इंस्टीट्यूट नहीं होता, हरा हरा सा हरी ड्रेस वाले लड़की, लोंडिया छोटी सी थी, बैठी थी। मैंने कहा आप क्या सीखते हो एलन में? मैं बड़ा इन पर ना कन्फ्यूज़ था, मैं रेडिट पर एक्चुअली इनकी वीडियोज़ देखता रहता था, लड़ते रहते थे चूतिया। मतलब हम तो ऐसे कभी ट्यूशन्स गए नहीं, हमारे टाइम में तो भाई गलियों में ट्यूशन होते थे, भाटिया कोचिंग सेंटर या राजू अपेक्स कोचिंग सेंटर हमारे शास्त्री नगर में था। जो भी बहन के लोड़े सुन रहे हैं, राजू सर को लाइक कर देना, राजू सर बढ़िया बंदे वैसे, राजू भान बोल देना, देखो तुम्हारा पढ़ा हुआ स्टूडेंट यूट्यूब चला रहा है, ई रिक्शा दोनों चला रहा है, कम से कम बहुत से ई रिक्शा भी चला रहे हैं। वैसे ई रिक्शा चलाने में भी कोई शर्म नहीं है भाई, चला लूँगा अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो, पर चैनल फिर भी चलाऊँगा भाई, लाइव आ जाऊँगा ई रिक्शा से, ठीक है, सही रहेगा, लाइक करोगे? अच्छा तो मैं क्या कह रहा था, हमारे टाइम में तो ऐसे ट्यूशन सेंटर होते थे, तो मैं देखता था लोग ये बायजूस FLN ये वो, मतलब क्या कर रहे हैं आजकल के लोग। तो मैंने उससे पूछा आप क्या कर रहे हो? कह रही मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कहा मैं तो रोज़ नीट की तैयारी करता हूँ, जॉक्स अपार्ट। तो मैंने कहा, वो कहती मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, नाम मैं उसका भूल गया, बड़ी स्वीट सी अच्छी सी लड़की थी, चश्मे वाली पतली सी छोटी सी, छोटी बहन थी मेरी एक तरह से। तो मैंने उससे कहा अच्छा, मैंने कहा क्या फीस है? कहती 2 लाख रुपये एक साल के नीट की तैयारी के। मैं कहा सही है। मैंने कहा नहीं बने तो क्या, डॉक्टर नहीं बन पाए, क्रैक ना कर पाए एग्ज़ाम तो पैसे वापस। कह रहे नहीं बैच चेंज हो जाता है, मतलब टाइम दे देते होंगे 6 महीने का और क्या नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। मैंने कहा अच्छा चलो, मैं तो चाहता हूँ नीट का एग्ज़ाम दे दे ताकि कल को मुझे दारू वारू पी की ज़रूरत पड़े तो मैं उसको याद करूँ। आई विश हर ऑल द बेस्ट, बट क्या स्कैम चल रहे हैं भाई, क्या स्कैम चल रहे हैं। देखो मैंने ना अपनी लाइफ ट्वेल्थ में भी कभी सीरियसली नहीं ली, 10th में भी नहीं ली, 6th में भी नहीं ली, ग्रेजुएशन तक नहीं लिया, और अब ऐसा लग रहा है थोड़ी सी ले लेनी चाहिए थी, पर अब भी मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि मैं अपना बहुत सारा टाइम ट्रैवलिंग में बिता देता हूँ। मेरे को भी अब मेंटली फ्रस्ट्रेशन होती है जितनी पहले नहीं होती थी, तभी मैंने इस चैनल का नाम पॉडकास्ट रख दिया कि मुझे फेमस नहीं होना, बस मेरे को वो खास बंदे चाहिए जो एक आवाज़ सुनना चाहते हैं, जो उनका मरहम बने। और मैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहता हूँ पॉडकास्ट की, और मैं बढ़ाऊँगा भी, और उसके साथ साथ चाहे शराब आए ना आए, शराब भी आती रहेगी,
अगर ईश्वर ने चाहा तो उसके साथ साथ मैं कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी करता रहूँगा, बट आपको साथ देना पड़ेगा। साथ क्या, कंटेंट आपको अच्छा लगेगा तो आप क्यों पीछे हटोगे। बट कोई लोग जानबूझ के कहते हैं कि भाई ये चुट्टा पी ले, ये कर ले, इतनी एक बोतल पी के दिखा दे, तो भाई मैं वैसा बंदा नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ इंसान। और जब मैंने शुरू किया था तो मेरे हालात अलग थे, आजकल थोड़ा डाउनफॉल तो नहीं कह सकते पर मिड में हूँ, नीचे की तरफ जा रहा हूँ, तो थोड़ा ऊपर की तरफ आऊँगा जिस दिन, उस दिन आपको चैनल में पता, चैनल का भी डिलीट नहीं होगा, चैनल की ग्रोथ बिल्कुल डाउन हो चुकी है आई नो, बट डिलीट नहीं करेंगे इसको, आपके कंधों पे ही है और मेरे कंधों पे तो है ही है। चलिए खैर थी, एक और पैक बनाते हैं, आपको पता है पीता तो मैं तेज ही हूँ। टेस्ट वेस्ट मैंने करवाए थे अपने, सारे ओके थे, लिपिड प्रोफाइल वगैरह LFT KFT टचवुड भगवान के उससे ओके थे, बट मेरे को कोई एलर्जी है यार, ईयर प्रॉब्लम है और थ्रोट और या एसिड, तो मुझे लगता है एसिड से दो तीन प्रॉब्लम मुझे आती है, सो मैं उस पर भी लगा हुआ हूँ यार, ठीक हो जाए टाइम से तो और बढ़िया तरीके से ज़िंदगी जी जाए। फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, जैसे मैं पहले बहुत एक्टिव था उसका आधा भी नहीं हूँ, तो वो मैं जानता हूँ कि वो मेरी गलती है, बट कई बार ठोकरें ऐसी लगती हैं कि मुसाफिर हंस के चल देते हैं और बस नहीं आती समय में, समय पे तो बस बिना बस के चल देते हैं, वो वाला हाल है अपना। याद आ रही है मुझे ऋषिकेश की सड़कें, जब हम ऋषिकेश के लिए निकले, जाना हमें बद्रीनाथ था, हमें बद्रीनाथ की बस नहीं मिली, क्योंकि बद्रीनाथ के लिए आपको समय पे निकलना होता है ऋषिकेश से, नहीं तो रात को वहाँ बसें नहीं चलती, बस रोड्स वगैरह बहुत बेकार कंडीशंस के हैं वहाँ, और लंबी बसें चलती नहीं, बस की सर्विस बहुत कम है, तो लास्ट बस हमें मिली। एक्चुअली हम 10 बजे बस में बैठ गए और वो कहता बस चलेगी 12:30, हालांकि 12:45 हमने चलवाई बोल बाल के, बड़े लालची लोग हैं यार तीर्थ के नाम पे, मजबूरी में लालची हैं जानबूझ के क्या पता। और भाई लोग, हमने ना एक दो बंदों से बापा खंडी क्या होते हैं, हमने जैसे मेरा दोस्त था वो फर्स्ट टाइम गया था ऐसी यात्रा पे, वो अपने घर से निकला ही नहीं, वैष्णो देवी जी तक भी नहीं गया वो, तो भाई उसने बोल दिया कि यार मोली पैग पुग लाने हैं, मेरे को मोली भी कहते हैं, मैं कहा पैग पुग लाने हैं, तो किससे उसने पूछ लिया भाई दारू वारू का क्या जुगाड़ है यहाँ पे, तो भाई वो कहता भैया ये तो बाबा की नगरी है, या तो दारू की बात मत करो, हमें लगा यात्री है कोई, तो वो बस का ही बंदा था। उसी चूतिए के बट्ठे ने सोनप्रयाग से 25 किलोमीटर पहले बस रोकी दारू का बोतल लेने के लिए, तो भाई यार भगवान के नाम पे चूतिया तो मत बनाओ, सब मिलता है भाई, सोनप्रयाग में भी पीते हैं लोग और केदारनाथ के पहाड़ पे भी पीते हैं लोग, आराम से पीते हैं, सब मिलता है। तो शराब और उसको पहली बात तो जोड़ो मत, वो अलग चीज़ है, क्या शराबी बंदे को क्या बाबा नहीं मिल सकता, सब मिलता है, तुमसे पहले मिलेगा, क्योंकि शराबी बंदा हिम्मत वाला बंदा होता है, शराबी बंदा दिल का साफ बंदा होता है, शराबी बंदा ना बर्बाद होने से डरता है ना आबाद होने से, शराबी बंदा ही होता है। डोंट एवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ शराबी। बाकी दोस्तों 1965 ने जो हल्का हल्का मध्यम मध्यम जरूर किया है, मज़ा सा आ रहा है, देखो मुझे नहीं पता आज के डेट में आप किस यूट्यूबर को देखते हो, वो कैसा कंटेंट ला रहा है, मैं बहुत लोग कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सीख लो चैनल ग्रोथ हो जाएगा, अजी लोड़ा, अगर ऐसी बातों से ही नहीं हो रहा तो फिर किसी से नहीं होगा। आज मेरी बातें हैं तो हम 6,000 तक पहुँचाएंगे ना, इसको पहुँचाएंगे ना भाई, क्यों नहीं पहुँचाएंगे, कौन सी मार्केटिंग करनी है, जहाँ दिल से दिल जुड़ गया ना मार्केटिंग फ्लॉप। सलमान खान पिक्चर रिलीज़ करेगा तो 100 करोड़ जाएगी, दिल से दिल मिला हुआ ना भाई, दिल से दिल की बात होती है, अपने को 500 करोड़ तक जाना ही नहीं, अपने को लैविश लाइफ दिखानी नहीं, और दिखानी है तो हम किसी और अंदाज में किसी और चैनल पर दिखाएंगे, और किसी को क्या दिखाना है यार। मैं अपने ट्रैवलिंग ब्लॉग्स भी बनाता हूँ, जो मेरा ट्रैवलिंग चैनल है उस पर भी मैं बहुत सिंपल रखता हूँ मामला, वो मैं अपनी मेमोरीज बनाता हूँ उसमें, अगर किसी के काम आ जाए, बहुत लोगों के काम आती है, दिल्ली के लोग काम आ जाते हैं लोगों के, दिल्ली ऐसी जगह है कि दिल्ली में ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, दिल्ली के लोग उस पर जल्दी से आने वाले हैं, तो आप ट्रैवल मंक को यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो
तो यार मार्केटिंग दिल जो दिल मिल जाते हैं ना वो मार्केटिंग से पार होता है। मार्केटिंग उनको चाहिए होती है जो जिनके पास कंटेंट नहीं होता। हमारे पास कंटेंट है, ऊपर वाले ने दिया है, उसका शुक्रिया है। और उस ऊपर वाले को हमने कभी बांटा नहीं, ना लोगों को बांटा। हमेशा लोगों को अच्छी सलाह देने की कोशिश करी और अच्छी तरह देने की कोशिश करी। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। मुंबई भी गया मैं, मुंबई में बहुत मज़ा आया। वो मुंबई की वीडियोस पड़ी है इस चैनल पे ही, पड़ी है शराब की, चिकन की। अभी तो मैंने यार मैं थोड़ा लेट निकला, मुझे अभी भी लगता है मुझे और जल्दी निकल जाना चाहिए था, पर मैं तब बड़ा व्यस्त था कुछ इस बनने के लिए। जैसे खेतों के रास्तों में पानी चलता है फसलों का, बात नहीं है पैसों की, बात नहीं है अमीरी गरीबी की, मसला है ये नस्लों का। नीमे कोहिनूर के मोल से पार हूँ, पर पले मेरे बेरोजगारी, तू देखे जी न्यूज़ क्यों के, बाप तेरा अफसर सरकारी। ओहो, तेरे बापू की पगड़ी बांधे टेलीकास्टर साले, मैं अनाउंस करूं धरना है आज, आ जाओ अंबाले। मेरा कंटेंट लोग बुलाते, तेरे बाप की पार्टी प्रचारी। तेरी है नौकरी सरकारी, मन मार गई बेरोजगारी। एक कब सीटा मिले हैं सामान्य लोकाने, जीते जगती दुनिया का ना होता सौखने। आखिर मोड़ते उतरे जांदी है जिंदगी दी सवारी, तो फिर क्या डरना भारी। जाम लगाओ यार, बस बनी रहे यारी। तो दोस्तों 1965 रन कह रहा हूँ, 1965 रन ने आज जो माहौल बांधा है लाजवाब है। स्वाद से लेकर इसकी जो क्वालिटी है, टंग ऑन टेस्ट है और नशा है, सबने मुझे इम्प्रेस किया। क्वार्टर ने बहुत इम्प्रेस किया, मिक्सिंग की कोई गुंजाइश नहीं, क्वालिटी प्रोडक्ट है। राजस्थान की दारू ने बहुत इम्प्रेस किया, लगता है राजस्थान से आने लगे हैं संकेत। तो कुछ नहीं पता अगले हफ्ते मैं राजस्थान भी पहुँच जाऊँ। मैं हूँ ऐसा ही घूमने फिरने वाला बंदा, तो मेरे ट्रैवलिंग चैनल भी सब्सक्राइब करें जिसके नाम है ट्रैवल मंक, और इस चैनल पर तो है जिसका नाम है ट्रैवलिंग मॉडल पॉडकास्ट। उसके साथ ये बस बहुत अच्छा लगा, लेस की बात क्या करते हैं, साठ ही पहला कितना ही कालू कट के हवाजी पर के सामने कहते लेस है क्यों।
पांच में से 4.5 अंक आज 1965 को देते हैं। और ज़रूर लें यार, रम का मौसम है, गले को तर कर देगी। बाकी सुबह एक रिव्यू ज़रूर डालूंगा कि 1965 ने क्या करामात दिखाई, मतलब क्योंकि मेरा अभी गला सोर थ्रोट जिसे कहते हैं वो हुआ हुआ है, कानों में तकलीफ थी, नाक में तकलीफ थी, आंखें लाल थी। दोपहर में मैंने एक मेडिसिन भी ली थी जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता, मेडिक साहब पीनी, पर बहुत टाइम हो गया था तो मैंने थोड़ी सी रम पी ली, थोड़ी सी छोड़ देंगे नहीं तो पी लेंगे यार दिल किया तो। और तुम मेरे भाई हो भाई, कभी भी परेशान मत होना, इंस्टाग्राम पे हूँ ट्रैवलिंग बॉटल के नाम से, हाथ में ग्लास पकड़ा हुआ है, एक ही अकाउंट है, कभी भी दिक्कत हो मैसेज कर देना। बहुत लोगों के मैसेज सुनता भी हूँ, बहुतों को पहले इग्नोर कर दिया था, उनके भी सबके रिप्लाई दे दिए हैं, दो ग्रुप भी बने हुए हैं उसमें, और ऐसे ही जुड़े रहो यार। पता नहीं ज़िंदगी का क्या है, ज़िंदगी जदो दिया मज़े लेने हैं दोस्तों। 1965 हाईली रिकमेंडेड है, तो जहाँ मिले ले लो, तो छोड़ दो भैया, अपनी पसंद की पी लो, चैनल बहुत है और तुम भी बहुत हो, तुमसे मुझे प्यार है, हाय अल्लाह।